अच्छा यार, तीन लोगों ने लिंक भेजा अभी तक, क्या सीन है ये? और बंदे क्या कर रहे हैं? ऑप्टेन मार्क 850 उसमें, और टोटल थे मेरे 1000 मिसाल के तौर पर, 85 ग्रेड बी है। 85 में बी तो नहीं होता, 85 में बी तो नहीं होता, 81 में भी बी किया हुआ है अपने, 80 में भी बी है, 900 में ए किया हुआ है आपने। चलें, आपने थोड़ा सा डिफरेंट इसका क्राइटेरिया रखा है ग्रेड का। अच्छा, ये कौन है हमारे दोस्त? मुआज़ गुलफाम। अच्छा मुआज़ गुलफाम, आपने ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो कलर लगाया ना, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ये रिजल्ट नज़र ही नहीं आ रहा ना ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड लगाएं जो ना ईजिली नज़र आए लिखा हुआ। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 23, एंटर्स क्या था? ऑप्टेन मार्क, ऑप्टेन मार्क 800 आउट ऑफ 1000, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज 80% परसेंट। अच्छा, इन्होंने भी ठीक किया, एक ही पेज पे सारा बना दिया। इस्लामियात में आए हैं 100 में से 80, मैथ में आए हैं 70, कंप्यूटर में आए हैं 90, इंग्लिश में आए हैं 60 और साइंस में आए हैं 80। शो रिज़ल्ट 76% बी ग्रेड, टोटल 380। वेल डन यार, अच्छा बनाया आपने। उबैद मुनीर, उबैद मुनीर यार, ये बड़ा मसला है, ये बार बार एक्सेप्ट करना तो बहुत प्रॉब्लम है इसको। विकंडी, अच्छा और कोई है जिसने बना लिया हो? हाँ, कुछ लिंक्स मेरे पास अब आना शुरू हुए हैं, तो हम एक दो लिंक्स ज़रा और देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड? ओके, ऑप्टेन मार्क 380 आउट ऑफ 1000। यार ये एंटर पे काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है आपने सबमिट नहीं लगाया, ऑन क्लिक लगाया हुआ है। ये मगर आपको एरर बता दूं कि आपने क्या मसला किया है इसमें। अच्छा, ये इस तरह से नहीं करना था, यहाँ पे फॉर्म बनाना था आपने। फॉर्म बनाने से क्या होता है कि जो है ना वो उसमें वैलिडेशन काम करती है, इसमें वैलिडेशन अगर आप कोई लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी, राइट? तो आपको जो इनपुट लेने के लिए आपने लिखा है ना डिव और इनपुट, बिलाल हनीफ खत्री, आपसे बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको फॉर्म का टैग लिखना था, ठीक है? उससे क्या होगा कि मैं लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे चेक करके बता देगा। अभी आप देखें, मैं 650 लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया तो ये काम नहीं कर रहा, मुझे इसको प्रेस करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है बटन पे आगे। इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। वेलकम टू परसेंटेज कैलकुलेटर। टोटल मार्क 850 और 650 कैलकुलेट। अच्छा, ये भी एंटर पे काम नहीं कर रहा, उसामा महमूद, ठीक है? आपने फॉर्म का इस पर टैग बनाना है, योर परसेंटेज इज 76.47 बी ग्रेड। अच्छा, ग्रेड आपका 76 पे ना ए ग्रेड होता है, बी नहीं होता, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। सही है असद, इन्होंने भी अच्छा बनाया है, इन्होंने भी अच्छा बनाया है। अच्छा जी, तो ये तो हमने असाइनमेंट कुछ लोगों के देख लिए। अब आपसे सवाल ये है कि पिछले क्लास में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, ये कोड उसका आपके सामने लिखा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, कोई अगर लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था
तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी मैंने उसी वक्त कर दी थी, तो आप उसको जाके ना यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप उसको, ठीक है। इंज़माम मलिक लिखेंगे तो ये चैनल का मेरे नाम है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो ये आपके सामने आ रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ग्लिम्स ऑफ एआई चैटबॉट सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये आपका सेक्शन ए है, इसमें अभी तक 16 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इस वाली प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे ना तो ये ओपन हो गई। तो लास्ट क्लास की जो वीडियो है वो यहाँ पे मौजूद है, टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर ES6, ये तमाम वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो किसी को भी अगर कोई लेक्चर मिस हुआ हुआ है किसी का तो वो जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा आप। अच्छा, तो लास्ट क्लास से मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी राइट नाउ, और फिर हम उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। बड़ी बात है। सर, लास्ट क्लास में जो इफ एल्स के साथ जो है एल्स इफ था, टर्नरी ऑपरेटर में इस तरह कुछ नहीं होता? हो सकता है जी, इस तरह भी हो सकता है टर्नरी ऑपरेटर में। मैं आपको एक एग्जांपल चला के बता देता हूँ कि इस तरह से कैसे होगा वो। अच्छा, तो एक दोस्त ने सवाल किया कि अगर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मुझे, जैसे मैं इफ़ एल्स वाला कोड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक तीन इफ़ अलग अलग लगाए थे, एक ये तरीका था और एक एल्स इफ़ वाला तरीका था। जो एल्स इफ़ वाला तरीका होता है वो चेन स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई भी एक बीच में से ट्रू हो जाए तो उसके आगे वाले को वो चेक नहीं करता है। तो अगर ऐसा काम मुझे टर्नरी ऑपरेटर के में करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो टर्नरी ऑपरेटर वाले कोड में ही, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताई थी कि टर्नरी ऑपरेटर का बेनिफिट क्या है, कि वो इन लाइन भी अप्लाई हो जाता है, यानी एक स्ट्रिंग के बीच में मैंने लिखा टर्न और उसके बाद क्या लिख दिया, एक टर्नरी ऑपरेटर जो कि या तो ऑफ़ देगा या तो ऑन देगा, ठीक है, और AC, ठीक है। तो अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा इसको कमेंट कर देता हूँ, इस कोड को, और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें तीन कंडीशंस लगा देता हूँ, राइट, यही होगा ना इसके अंदर, तीन कंडीशन हो जाएगी। ये आपका जो था वो असाइनमेंट था जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि अगर एल्स इफ के तौर पे इसको इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे हम। अच्छा, हमने ऊपर एक इनपुट लिया हुआ है यूज़र का, तो यूज़र मुझे क्या इनपुट देता है? यूज़र मुझे एक टेम्परेचर, जो उसके आउटसाइड का टेम्परेचर है वो मुझे इनपुट देता है, और मैं उसको ये बताता हूँ कि यार अगर 25 से, यार विंडो खोलने का भी एक बड़ा मसला है, शोर इतना ज़्यादा आ रहा है, बंद करना पड़ेगा मुझे। मैंने विंडो को दोबारा से क्लोज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो गया था बाहर से, असल में टाइम भी ऐसा है ना, अभी रश वाला टाइम है। तो पहले मैं ये कहता था अगर टेम्परेचर 25 है या उससे कम है तो मैं उससे कहता था कि भाई आप AC को बंद कर दें, ठीक है, और अगर 25 से ज़्यादा है तो मैं उसको कहता था आप AC को ऑन कर दें। अच्छा, अब मेरे पास तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 30 से ज़्यादा है, 30 और अप, तो आप क्या करो, ऑन करो AC को, ऑन कर दो। अच्छा, अगर 25 है, ठीक है, या मिसाल के तौर पे 20 to 25 अगर इसके दरमियान है तो क्या कर दो, लोअर द AC, और अगर 20 बिलो 20 है तो क्या कर दो, ऑफ़ कर दो। तो अब ये तीन कंडीशंस आ गई मेरे पास, तो इसमें मुझे एल्स इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये काम अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर से करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा पहली बात तो लेट पैराग्राफ, क्योंकि मैं इन लाइन लगाना चाहता हूँ, और मैंने ये टेम्पलेट बना दिया यहाँ पे। मैंने कहा कि प्लीज़, अच्छा
पहले मैं तो ये लिखता हूँ कि पूरा जुमला बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैट बॉट में हमें आमतौर पर यही करना होता है, पूरा जुमला बना के देना होता है यूज़र को एज अ रिस्पॉन्स। तो मैंने कहा कि यू सेट आउटसाइड टेम्परेचर इज़, ठीक है, और मैंने वो एग्जैक्टली वो यहाँ पे बात लिख दी जो उसने इनपुट दिया था। टेम्परेचर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने क्या, TEMP, खैर छोड़ो, मैंने वो एग्जैक्टली उसको इनपुट बता दिया जो इसने लिखा था। मैंने कहा यूज़र इनपुट, मैंने कहा यू सेट आउटसाइड टेम्परेचर इज़ दिस। अच्छा, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा प्लीज़। अब प्लीज़ के बाद ना बीच में यहाँ पे एक टेम्पलेट आएगा द एसी, ठीक है। अब इस बीच में क्या क्या आ सकता है, तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो आएगा कि टर्न ऑन, या तो आएगा कि लोअर द एसी, या तो आएगा टर्न ऑफ, ठीक है। तो अब मेरे पास तीन कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा एक चीज़ मैं लास्ट आपको वो बताना भूल गया था, इसको मैं पहले तो दो लाइन में कर लेता हूँ ताकि मुझे ना ये आगे स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है, मैंने इसको दो लाइन में कर लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा एक टर्नरी ऑपरेटर बना लूँगा पहले मैं यहाँ पर, ठीक है। इस टर्नरी ऑपरेटर में क्या लगाऊँगा मैं कि यूज़र इनपुट अगर लेस है, किससे लेस है, ये चलो अब से शुरू करते हैं, अब से शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा कि यूज़र इनपुट अगर ज़्यादा है, ठीक है, और इक्वल है किसके, 30 के, तो क्या बोल दो यहाँ पे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, माइक ओपन करके आप जवाब दे सकते हैं। अगर यूज़र इनपुट जो है वो 30 या उससे ज़्यादा है तो मैं उसको बोलूँगा टर्न ऑन, बिल्कुल नए नए नाम नज़र आ रहे हैं मुझे आज क्लास में, लग रहा है किसी ने पब्लिक ग्रुप्स में शेयर कर दिया लिंक, वेल एक ही बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, तो मैंने कहा कि टर्न ऑन यहाँ पे बोल दो अगर 30 या उससे ज़्यादा यूज़र ने अपना टेम्परेचर बताया है तो, ठीक है, अपने अपने आउटसाइड का टेम्परेचर। अच्छा, अदरवाइज़ पहले तो मैं इसको बोलता था अदरवाइज़ टर्न ऑफ, लेकिन अब मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इस पॉइंट पर अब मुझे एक इस वैल्यू की जगह ना एक पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, बल्कि इसको मैं दूसरी लाइन में ले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको कहाँ ले गया, दूसरी लाइन में, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक पूरा का पूरा एक और टर्नरी ऑपरेटर बना दूँगा, ठीक है, और इसका ये पहला कंडीशन और इसकी ये दूसरी कंडीशन, सही है। ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक और टर्नरी ऑपरेटर बना दिया, सही है। और इस टर्नरी ऑपरेटर में अब मैं अगली बात लिखूँगा, पहले तो मैंने बोला था कि यूज़र का जो इनपुट है वो 30 या उससे बड़ा होगा, अब मैं सेकंड बात चेक करना चाहता हूँ कि अगर यूज़र का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 20 और 25 के दरमियान है, राइट, तो मैं क्या लिखूंगा, यूज़र इनपुट, ठीक है, इज लेस देन, अच्छा ये तो 30 तक तो मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे अब मैं 29 से लूँगा, ठीक है, यानी कि मैं बोलूँगा लेस देन 30, लेस देन 30 का मतलब है 29 अगर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 30 पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। एंड, अच्छा एंड अभी हमने पढ़ा नहीं है, एम परसेंट वाला जो साइन है वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते, उसके बगैर इसको करने की कोशिश करते हैं हम, उसके बगैर इसको हम कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा कि उसके बगैर इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा वेल, नंबर का स्केल में असल में लास्ट टाइम ना मैं भूल गया था बताना आपको, मैं वो आपको बताते हूँ कि नंबर का स्केल क्या है। ये इफ़ एल्स में ना ये स्केल आपको लाजमी पता होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे ग्रेड वाला अभी आप लोगों ने बनाया है सब लोगों ने, ठीक है, तो इससे मुताल्लिक वो सवाल है। सर, ये प्रॉम्प्ट के पीछे जो प्लस का साइन है उसका क्या काम है?
ये प्रॉम्प्ट के पीछे जो छोटा सा प्लस का साइन है ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट में यूज़र इनपुट जब भी हम लेते हैं तो वो हमेशा हमें किस में मिलता है, हमेशा हमें वो स्ट्रिंग में मिलता है। चाहे बंदा नंबर लिखे या ABC लिखे, कुछ भी लिखे, वो हमेशा मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है। तो ये शॉर्टकट है उसको नंबर में कन्वर्ट करने का। एक नंबर में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट ये भी है, ठीक है, नंबर, और इसके अंदर मैं यूज़र इनपुट इसके अंदर डाल दूँ मैं, ठीक है, और मैं ऐसे कर दूँ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू, तो इस तरह भी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो प्लस है ये इसी का शॉर्ट हैंड है, इसी का शॉर्टकट है ये। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं भी रोक रहा हूँ। जो आपका जो पहले वाला असाइनमेंट था ना, उसी पे मैं इसको ज़रा, जो ग्रेड वाला जो आपने असाइनमेंट बनाया है ऑलरेडी, अभी मैं हम उसकी बात कर लेते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर यूज़र इनपुट यहाँ पे ना, हम इमेजिन कर लेते हैं कि बंदे ने ग्रेड अपना दिया है, ठीक है, इस वाले पे हम थोड़ी देर में वापस आते हैं क्योंकि वो लास्ट क्लास वाली चीज़ है, ये नंबर स्केल, तो ये पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि वो आपने इफ एल्स के ज़रिए बनाना था तो मैं आपको इफ एल्स में ही बताऊंगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रेड बताना है। तो आप इमेजिन कर लें कि भाई बंदा जो इनपुट देगा वो इनपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। यूज़र इनपुट जो हो सकता है वो हो सकता है फ्रॉम 0 to 100, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, परसेंटेज का आपने वो, ये इमेजिन करें परसेंटेज बंदे ने दिया है कि 0% से लेके 100% तक आपके पास इनपुट आ सकता है। इसमें आपने ग्रेड बताना है उसको कि भाई आपका ग्रेड क्या आया था। यही था आपका असाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये। अब ये असाइनमेंट बनाने के दौरान ना स्केल की मिस्टेक बहुत होती है कि भाई एक नंबर ना दो दो कंडीशन के अंदर आ रहा होता है, तो इस चीज़ से कैसे बचना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल मैं पूरी करूँगा अपनी। अच्छा, अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो है ना ज़ीरो है, ठीक है, स्केल के ऊपर ये ज़ीरो मैंने बना दिया कि बंदे ने मतलब कौन सा नंबर देगा, ज़ीरो का दे सकता है बंदा। अच्छा, यहाँ पे ये नेगेटिव है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है, और नेगेटिव में कोई भी बंदा नंबर दे सकता है, ठीक है, बंदे को आप ये रोक नहीं सकते कि वो ज़ीरो लिख दे या माइनस में कुछ लिख दे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, 50 होगा स्केल के अंदर आपके, ठीक है, 50 होगा। अच्छा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ भी क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 100 है, यहाँ पे 100। अच्छा, इस तरफ मैक्सिमम में कुछ भी दे सकता है बंदा, ठीक है, 100 के आगे 100, 10, 100, 20 कुछ भी बंदा इनपुट दे सकता है। तो अब इफ एल्स हमें कैसे लगाना होगा कि जो है ना ये सारे नंबर भी कवर हो जाएं और कोई उसमें प्रॉब्लम भी ना हो, कोई मिस्टेक भी ना हो। अच्छा, 50 के बाद यहाँ पे भाई मेरे 60 है, ठीक है, मैंने कहा भाई 60, 60, ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ 70 है, ठीक है, और 80, और यहाँ पे 90। अच्छा, तो ये मैंने एक नंबर का स्केल तैयार कर लिया। अच्छा, तो अब मेरे पास जो ग्रेड है वो क्या हो सकता है, वो होगा A1, ठीक है, अभी जो मेरा स्केल है वो A1 होगा ग्रेड का। इन नंबर्स में से मुझे A1 कहाँ तक को A1 रखना है वो मुझे डिसाइड, फिर होगा A मेरे पास, ठीक है, फिर होगा मेरे पास B, फिर होगा मेरे पास C, किसी ना किसी लेवल पे आके मैं बोलूँगा इससे नीचे वाले सारे C हैं, ठीक है। अच्छा, C से नीचे वाले को मैं डायरेक्ट फेल कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, आप D तक भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, मैंने कहा C से नीचे वाले जो है ना वो सारे फेल है मेरे पास। अच्छा, तो अब मैंने सबसे पहले कंडीशन लगानी है, मैं A1 से भी शुरू कर सकता हूँ कि A1 को पहले इफ में A1 लगा दूँ, या पहले इस तरफ से भी शुरू कर सकता हूँ, मेरी मेरी मर्ज़ी है मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैं पहले जो है ना इस वाले को शुरू करता हूँ, यहाँ वाले से, सही है। अच्छा, मैंने ये बोला कि भाई 80 से ऊपर जिस जिस के बंदे के हैं ना, 80 और उससे ऊपर तमाम जो है वो A1 ग्रेड है। ऐसा ही होता है ना, A1 कहाँ से शुरू होता है, 80 से शुरू होता है ना। कोई मुझे गाइड कर सकता है इस बारे में, क्योंकि मैं शायद भूल गया हूँ। अच्छा, 80 से 100, सर A1 होता है 85 से। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली गूगल किया है। 80 से 100 होता है A1, फिर 60 से 80 तक होता है। अच्छा, ये तो अलग अलग आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आ रहे हैं।
ये ए प्लस ए माइनस बी। वेल अभी हम अपना स्केल बना लेते हैं खुद, ठीक है, छोड़ते हैं हम दुनिया क्या कर रही है उसको, हम फिलहाल 2 मिनट के लिए साइड पर कर देते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे आके बोला कि ए वन ग्रेड कौन होगा जिसका 90 से रखते हैं हम ए वन, सही है, 90 से लेके 100 तक जो है वो ए वन होगा, ठीक है। नहीं यार, मैंने कहा 80 से ऊपर वाले 100, 80 से लेके जो है ना 100 तक कोई भी आपका नंबर है आप ए वन हो, सही है। उसके बाद मैंने कहा कि 70 से लेके 79 तक जो है वो ए है, ठीक है, 80 जैसे ही होगा वो ए वन हो जाएगा, तो 70 से लेके 79 तक ये मैंने रख दिया। अच्छा, और यहाँ पे मैंने लिखा बी कौन होगा, 60 से लेके 69 तक वाला जो है वो बी होगा। अच्छा, और उसके बाद 50 से लेके 59 तक वाला जो बंदा होगा वो सी ग्रेड होगा उसका। अच्छा, और मैंने उसको बोला कि भाई 49, सही है, 0 से लेके 49, यानी 49 से नीचे वाले जितने भी होंगे सबको मैंने क्या कर दिया, फेल कंसिडर कर दिया, ठीक है, 49, 50। अब आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पे जो है ना कोई भी, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इस पूरे स्केल में कि जो मिसिंग हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 49 तक फेल है बंदा और 50 पे कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो एक एक नंबर करेक्ट है इसके अंदर, एक एक नंबर कवर्ड है इस पूरे स्केल के ऊपर, ठीक है, कि बंदा जो है कोई भी नंबर इनपुट देता है तो उस पर कुछ ना कुछ उसको बताया जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस स्केल पे अगर किसी बंदे ने -10 आगे लिख दिया तो -10 पे क्या ग्रेड उसको दिखाना चाहिए मुझे, किसी बंदे ने इनपुट मुझे दिया -10 तो उसको मुझे क्या बताना चाहिए वो क्या है, वो ग्रेड ए है, बी है, सी है, क्या है? अच्छा, मैं उसको अभी इस केस में, क्योंकि वो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि भाई इससे नीचे वाले जितने हैं ना, ठीक है, वो सारे इनवैलिड हैं, तो मुझे उसके लिए एक इफ़ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि इफ़ नंबर जो बंदे ने इनपुट दिया वो 0 से छोटा है अगर, तो मैं उसको अलग से एक मैसेज दिखाऊंगा कि वो इनवैलिड है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0 से जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से 0 से नीचे वाला जो पार्ट है, अगर उसमें से कोई बंदा नंबर दे देता है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता है कि भाई आपने, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोई उसको रिस्पॉन्स ना दूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स तो मुझे हर इनपुट पे देना है, चाहे बंदा गलत दे इनपुट चाहे सही दे, रिस्पॉन्स तो मुझे कुछ ना कुछ देना है, और वो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो मैंने उसको एक यहाँ पे और भी लगा दिया कि लेस बिलो 0 जो है वो क्या है, इनवैलिड। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एक यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अबव 100 इज इनवैलिड, ठीक है। तो अब मेरा जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं, कोई मुझे रियल नंबर्स बता सकता है? सर जो पी और क्यू के फॉर्म में और क्यू और जीरो के बराबर हो, सर उसको तमाम नंबर जो रियल नंबर कहते हैं। अच्छा, ये ना नंबर कितने तरह के होते हैं ये आपको नज़र आ गया, सही है, जो एक होता है रैशनल, एक होता है इंटीजर, एक होता है होल, एक होता है नेचुरल। तो रियल नंबर जो है ना, दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो क्या कहलाता है, वो रियल नंबर कहलाता है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में ना पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, नेचुरल नंबर में आप देखें 1, 2, 3, 4 से है, और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू है, ठीक है, और इंटीजर जो है वो क्या है, माइनस से शुरू है और 0 भी है उसमें और वो भी हैं सारे, ठीक है। अच्छा, तो रियल नंबर जो होते हैं वो इन सबको मिला के बनते हैं रियल नंबर ना, तो रियल नंबर की ये सारी टाइप्स हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर अगर बंदा एंटर करेगा तो मेरे पास अब तमाम कंडीशंस कवर्ड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंडीशन हो जो उसको बंदा एंटर करे तो उसको कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जब भी मैं इनपुट लूँगा तो रियल नंबर का जो स्केल है ना, ये रियल नंबर कहाँ से शुरू है, रियल नंबर शुरू है नेगेटिव इन्फिनिटी से,
ठीक है, और नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होके जीरो पे आता है, जीरो से फिर पॉजिटिव पे जाता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा, और जीरो से लेके वन के दरमियान, जैसे पॉजिटिव पे पहुंचा ना, अब जीरो से लेके वन के दरमियान, अब जीरो से लेके वन के दरमियान क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये सबको मिला के ना क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर जो है वो क्या है, वो इन्फिनिटी है असल में। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है, नेगेटिव में भी इनफाइनाइट, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट, और दो नंबर्स के दरमियान भी इनफाइनाइट होता है इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने अपने इस स्केल में सबको कवर कर लिया है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 49 तक जो है वो क्या है, वो फेल है बंदा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 49.9999 भी होगा ना तो उसको फेल ही बताना चाहिए। ठीक है, 49.999 भी होगा तो उसको फेल बताना चाहिए, उसको पास नहीं बताना चाहिए, उसको सी पे नहीं। जब पूरा 50 हो जाएगा तो फिर वो पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर 59 तक क्या है, ये सी ग्रेड है। तो 59 तक सी ग्रेड का मतलब ये है कि 59.999 भी होगा तो वो सी ही रहेगा। 60 जब तक पूरा नहीं होगा वो बी पे नहीं पहुंचेगा। तो आप देखें इसके बीच में ना एक पॉइंट का भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिसमें कोई रिस्पॉन्स ना मिलता हो बंदे को। अच्छा, अब इसको कोड कैसे करना है, इसको कोड करने के लिए सबसे पहले आप किससे शुरू करेंगे, आप अबव 100 से शुरू कर सकते हैं या बिलो ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अबव से भी शुरू कर सकते हैं, बिलो से भी कर सकते हैं। चलो इस दफ़ा बिलो से कर लेते हैं, एक ही बात है वैसे कहीं से भी। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा यूज़र इनपुट अगर लेस है ज़ीरो से तो क्या करो, कंसोल पे प्रिंट करो के इनवैलिड इनपुट, राइट, प्लीज एंटर नंबर फ्रॉम 0 to 100, राइट। उसको थोड़ी सजेशन भी दे दी कि भाई इनवैलिड है तो मतलब क्या इनवैलिड है। मैंने बोला भाई 0 से 100 तक का को कोई एंटर करो तो फिर सही हो जाएगा ये। अच्छा, फिर मैंने लगाया एल्स इफ कि अगर ये बात ट्रू नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन फिर क्या चेक करो। तो स्केल में मैंने कितना वाला पार्ट अभी तक कवर कर लिया है, मैंने स्केल में ये जो कहाँ गया मेरा, ये रहा, मैंने इस स्केल के अंदर अभी ज़ीरो से लेके जो इस तरफ के नंबर थे ना जितने भी, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। सही है, ज़ीरो से नीचे नीचे के सारे क्लियर कर लिए हैं मैंने। ठीक है, अभी बीच में मेरी एक लाइन है ज़ीरो की। अच्छा, तो अब मैं अगली बात क्या लिखूँगा, अब मैं अगली बात ये लिखूँगा कि अगर क्या है मेरा नंबर यूज़र इनपुट अगर, ठीक है, अगर क्या है लेस देन है, किससे 50 से लेस देन है। ठीक है, पूरा 50 नहीं है, 49.9999 तक जो है अगर वो है तो। ठीक है, तो मैंने कहा कि यूज़र इनपुट अगर लेस देन है 50 से, ठीक है, 50 से छोटा है, 50 के बराबर नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, यू आर फेल, राइट, यू आर फेल। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। सही है, मिनिमम पासिंग मार्क वाज 50, कि 50 से छोटा जितना भी है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप नोट करें मैंने जो है ना ये 50 से छोटे वाले जितने नंबर थे वो सारे इस पॉइंट पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं कोई दूसरे कलर की पेंसिल देख लेता हूँ। ओह, छोटा क्यों नहीं हो रहा ये, इसके लिए मैं थोड़े डिफरेंट कलर की पेंसिल ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई 50 से जो छोटे छोटे जितने नंबर थे ना सारे, ये वाले, ये सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अच्छा, अब आपके जहन में ख्याल आएगा कि यार 50 से छोटे को अगर मैं बोल रहा हूँ फेल है, ठीक है, तो वो तो -10 भी 50 से छोटा है ना, लेकिन -10 यहाँ पे चेक पता कैसे होगा, पहले यहाँ पे मैंने अगर ज़ीरो से छोटा होगा तो वो पहले दफ़ा में ही यहाँ पर ट्रू हो जाएगी कंडीशन, अगले वाले को वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ज़ीरो से छोटा नहीं है नंबर, अगर ज़ीरो से छोटा नहीं है नंबर तो तभी वो आगे बढ़ेगा ना। तो अगर वो इस वाले इफ़ को चेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ज़ीरो से बड़ा था, ऑलरेडी बड़ा था, मुझे यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ज़ीरो से बड़ा हो और साथ में 50 से छोटा हो, मुझे ये चेक करने की, मैं जस्ट अगर ये चेक कर लूँ कि 50 से छोटा है तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचेगा ही उसी सूरत में जब ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक
ठीक है, तो असल में मैंने कौन सा कितने नंबर कवर किए, मैंने मैंने जीरो से लेके ये इतना पार्ट कवर किया है मैंने इस इफ के अंदर, ठीक है, ये कवर हो गया। अच्छा, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको भी मैं एक एक करके इस तरह से कवर करूंगा कि कोई भी चीज़ क्या हो जाए, कोई भी चीज़ मेरे इस पूरे स्केल पे, रियल नंबर के पूरे स्केल पे कोई भी ऐसा डिजिट ना हो जो मेरे इफ एल्स की कंडीशन में कवर्ड ना हो, राइट। अच्छा, अब मेरे पास हो गया, ये तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे ये फेल उसको करार दे देगा अगर इसमें से दरमियान में से कहीं है। अब मुझे उसको सी ग्रेड वाले को चेक करना है, तो मैं 60 से बोलूँगा कि भाई अगर 60 से कम है तो क्या कर दो उसको, उसको फेल कर दो। यानी 60 से कम का मतलब है, सॉरी 60 ये सी ग्रेड है ना, 50 से 59 तक सी ग्रेड है। तो मैंने कहा अगर 60 से छोटा है, 59.999 तक अगर वो है, तो क्या कर दो उसको, उसको सी ग्रेड बता दो अब। अच्छा, इसके लिए मैं अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एल्ज इफ, मैंने कहा यूज़र इनपुट अगर लेस देन हो 60 से, ठीक है, अगर लेस देन हो 60 से तो क्या करो आप, कंसोल पे उसको बता दो यू हैव गॉट सी ग्रेड, ठीक है, तो ये मैंने उसको बता दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने 60 से नीचे नीचे वालों को कवर किया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर तो नंबर होता ना 50 से छोटा होता अगर, तो यहीं पे ही रुक जाता, ऊपर ही रुक जाता। अगर यहाँ पे कंडीशन पहुँची है, इसका मतलब है कि नंबर 50 से बड़ा था जब ही यहाँ पे पहुँची है, ठीक है। तो 50.00001 हो सकता है ये नंबर, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, उससे छोटा ये नंबर नहीं हो, क्योंकि अगर 50.00001 से अगर छोटा होता तो क्या हो जाता, वो यहाँ पहुँचता ही नहीं, ठीक है। यानी मैंने लेस देन 50 रखा है, तो ये नंबर या तो पूरा 50 होगा या तो 50.0001 होगा, ठीक है। 49 नहीं हो सकता ये नंबर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये नंबर 49 हो, क्योंकि 49 होता तो इधर ही ट्रू हो जाता, और इधर ट्रू हो जाता तो वो चेन स्टेटमेंट है वो आगे वाले को चेक ही नहीं करता, ठीक है, यहीं पे इसको चला के ख़त्म कर देता। तो यहाँ पे ये नंबर पहले से हम ये जानते हैं कि ये नंबर एटलीस्ट 50 है, 49.99 होना इस नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, या 50.1 है, कुछ इस तरह का नंबर है, या उससे बड़ा है, 52, 53, 54, 55, ठीक है। तो मैंने कहा 60 से अगर ये कम कम है तो क्या कर दो आप इसको, आप इसको बोलोगे भाई सी ग्रेड है, सही है। इसी तरह एल्ज इफ, अब मैं इसको और बता दूंगा आगे, मैंने कहा यूज़र इनपुट अगर लेस देन है 70 से, तो आप उसको क्या बोल दो कि आपका बी ग्रेड है, ठीक है। अच्छा देखो, 60 से कम कम जब मैंने बोला ना, तो मैंने इस पॉइंट पे कितने नंबर इसके कवर कर लिए, मैंने 60 से ये नीचे वाले देखो कवर कर लिए सारे, सही है। अच्छा, अगर जो मैंने ये ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ की है इस पे अगर आप और करें, तो इसमें 60 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 50 इसमें इंक्लूडेड है, ये ब्लैक वाली जो लाइन थी 50 की, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है, 60 नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक दूसरा बनाऊँगा नीचे, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वहाँ पर, इसके लिए मैंने दूसरा कलर लिया, और मैंने बोला कि 60 को इसमें शामिल करो, सही है, और 79.999 तक इसको इसमें शामिल करो, ठीक है। मैंने कहा 70 से छोटा छोटा करो, तो ये मैंने कवर कर लिया, तो ये मैंने बोल दिया कि 70 से छोटा छोटा हो अगर तो बी ग्रेड है, ठीक है। फिर मैंने एक एल्स इफ बोला इसको, यूज़र इनपुट अगर लेस है 80 से, ठीक हो गया। अच्छा, यूज़र इनपुट अगर लेस है 80 से, मतलब 80 नहीं है, 80 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा, 80 को इंक्लूड नहीं करूँगा, 80 से बाहर पा रहा है, 89.99 तक इसमें आ रहा है, और 70 को इसमें मैं शामिल रखूँगा, ठीक है। तो मेरा ये स्केल ये भी कवर हो गया। इसको मैंने क्या बोला कि 70 से लेके 79.79 का मतलब है 79.99 को मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप ए ग्रेड हो, सही है, ए ग्रेड बता देता हूँ इसको मैं कि भाई आप ए ग्रेड हो, आप ए ग्रेड हो,
ठीक है। अच्छा अब अगला मैंने क्या बोलना है, अब मैंने ये ए वन वाले को कवर करना है। अच्छा ए वन कहाँ से लेके कहाँ तक है, 80 से लेके 100 तक है। तो अब मुझे इसके लिए एक डिफरेंट कलर की पेंसिल ले लेता हूँ, मैंने कहा येलो। 80 से लेके 100 तक है, अगर 100 से ऊपर है ना अगर, तो वो फिर इनवैलिड है। तो मैंने उसको बोला कि भाई 80 को भी शामिल करो इसमें, ऐसा एक बनाओ जिसमें 80 भी शामिल हो और ये 100 भी इसमें शामिल हो, ठीक है। 100.1 होगा ना अगर, तो फिर उसको वो इनवैलिड कर देगा, 100 तक उसमें शामिल हो। तो मैंने अच्छा अब आप आगे देखते हैं हमारे कोड में, हमारे कोड में अगर इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि 80.0001 हो गई वैल्यू, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक और एल्स इफ लगाया, यूज़र इनपुट। अब मुझे पता है कि ये यूज़र इनपुट 80 से बड़ा है, क्योंकि 80 से छोटा होता तो इसमें से कहीं ना कहीं वो ट्रू हो जाता, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर मैं कवर करता हुआ आ रहा हूँ, एक डिजिट भी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर 80 से छोटा कोई भी नंबर होता, नेगेटिव का ही क्यों ना होता, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर ट्रू हो जाता पहले। तो अब ये भी ट्रू नहीं हुआ, अब यहाँ तक पहुँच गया है, इसका मतलब है कि यूज़र इनपुट क्या है, 80 या उससे बड़ा है। अच्छा तो मुझे कहाँ तक कवर करना है A1 में, 100 तक, 100 को इंक्लूड करना है मुझे। तो मैंने क्या बोला कि अगर छोटा है ये 100 से, ठीक है, तो क्या कॉन्सोल पे लॉग लगा दो आप कि आप A1 ग्रेड हो। क्या मैंने ये कंडीशन सही लगाई है लाइन नंबर 55 वाली? सर इसमें 100 इंक्लूड नहीं होगा ना? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो 100 मैंने लिखा है तो उसमें 100 इंक्लूड नहीं होगा। इन सब में क्या करना था मुझे, मुझे 70 को इंक्लूड नहीं करना था, 80 को इंक्लूड नहीं करना था। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उसको 101 कर दूँ, ठीक है, या तो मैं इसको 101 कर दूँ। लेकिन फिर 101 का मतलब क्या हो जाएगा, 101 का मतलब ये हो जाएगा कि 100.1 भी इंक्लूड होगा इसमें, 100.2 भी इंक्लूड होगा, जो कि इनवैलिड होना चाहिए था मेरे पास, ठीक है। तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ, ग्रेटर देन कर दें? ग्रेटर देन भी नहीं कर सकता, ग्रेटर देन कैसे, ग्रेटर देन 80 नहीं, लेस देन और इक्वल टू करूँगा मैं, ठीक है। तो उसमें ये 100 तक शामिल करेगा, 100.1 शामिल नहीं करेगा, ठीक है। यही वजह है कि लेस देन और इक्वल टू जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अदरवाइज मैं ये भी तो कर सकता था ना कि ये हो गया 101, यूज़र इनपुट अगर 101 से छोटा हो तो 101 से छोटा का मतलब है 100 तक ये ट्रू होगा, 101 से छोटा का मतलब है 100 तक ट्रू होगा, 101 पे ट्रू नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि 100 और 101 के दरमियान तो बहुत कुछ है ना, 100.1 है, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ यहाँ पे तो ये 100.1 पे भी ट्रू होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, तो मैं करूँगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो हमें ये फ़र्क भी समझ में आ गया कि लेस देन इक्वल टू क्यों एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई लेस देन इक्वल टू क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा अब किसी के जहन में ये आएगा, चलो हम लेस देन इक्वल टू नहीं लगाते, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 101 नहीं करो, ठीक है, 100.0001 कर दो। तो अब 100 इंक्लूडेड हो गया, ठीक है, 100 क्या हो गया, इंक्लूडेड हो गया, और 101 तक नहीं जाएगा ये, ठीक है, इस पे ये फॉल्स करेगा। लेकिन मसला ये है कि मिसाल के तौर पे इसमें 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो अगर किसी ने ये नंबर लिख दिया 7 0 के साथ तो वो ट्रू हो जाएगा इस पर, क्योंकि उस इस वाले से तो छोटा है ना वो, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन यही कि आप इक्वल टू लगाएं, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब रियलिस्टिकली तो ऐसा नहीं होगा कि कोई 0001 लिख रहा है, लेकिन लिख भी सकता है कोई, ठीक है, अगर कोई लिखेगा तो आपका कोड उस पर फेल हो जाएगा आपका कोड। अच्छा तो मैंने ये कर दिया कि अगर यूज़र इनपुट लेस देन हो या इक्वल टू हो 100 के, ठीक है, सही है, यानी 100 तक हुई, 100 तक मैंने कवर किया। तो अब मैंने एक ऐसी कंडीशन लगाई है जिसमें 80 भी कवर्ड है और 100 भी कवर्ड है, ठीक है। 79.999 तक तो ये वाला चल रहा है, 80 जैसे ही होगा तो फिर ये वाला चलना शुरू हो जाएगा और 100 तक चलेगा ये, 100.00001 पे भी ना ये ट्रू नहीं होगा, इसको आगे जाने देगा ये। अच्छा अब मुझे एक कंडीशन और लगानी है कि अब 100 से जितना भी बड़ा हो कोई, तो मैं आखिर में एक एल्स लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 100 से बड़ी है, ठीक है, ई एल एस ई,
वैल्यू 100 से बड़ी है, तो मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करूँगा और मैं बोलूँगा इसको इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अच्छा इनवैलिड इनपुट के साथ इसको बताना भी पड़ेगा कि भाई सही इनपुट क्या था, तो मैं यही वाली पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, प्लीज़ एंटर 0 to 100। तो ये हमने रियल नंबर का पूरा स्केल कवर कर लिया, हमने रियल नंबर पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें कवर ना होता हो। ठीक है, अच्छा इसको अब चला के भी देख लेते हैं एक बार, एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि क्या वाकई हमने जो सोचा है और हमने जो लिखा है क्या वाकई ऐसा हुआ है या कुछ बीच में अभी भी चीज़ रह गई है। ठीक है, अच्छा देखो अब ये जो हमने तीन काम किए ना, ये जो हमने ड्राइंग बनाई है, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। सही है, प्लान आपके पास पहले होना चाहिए, कोड लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, ये प्लानिंग हो गई, उसके बाद ये हो गई हमारी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग आपने कर ली, अब तीसरी चीज़ होती है टेस्टिंग। ये आपको लाजमी करना होता है जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो ये तीन फेज़ आपके मस्ट हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बकायदा पढ़ाई जाती हैं, इसके मुख्तलिफ अप्रोच है, वाटरफॉल है, पता नहीं और क्या क्या है, जाहिल है, लेकिन ये एक मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूँ जो कि हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता होनी चाहिए कि भाई ये तीन फेजेस तो एटलीस्ट होते ही होते हैं कोई भी कोड आपने लिखना है। ठीक है, अब अगले वर्जन पर क्या करेंगे, तो फिर वो वाटरफॉल वगैरह के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी बड़ी थ्यूरीज हैं कि भाई कैसे करना चाहिए, बड़े सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर उस पर ये बात एटलीस्ट ट्रू है कि ये तीन फेज़ होंगे आपके, प्लानिंग, कोडिंग एंड देन टेस्टिंग। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने कहा कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ के बाद मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे लाके। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूँगा, ठीक है, और कुछ नंबर लिख के मैं इसको एंटर करूँगा। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ कि माइनस वन से चेक करता हूँ, माइनस वन पे क्या प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट। सही है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, माइनस वन जो है उसके बाद आता है ज़ीरो। अच्छा अब मैं ज़ीरो डाल के देखता हूँ, ज़ीरो डाला मैंने, ज़ीरो में लिखा हुआ आ गया यू आर फेल। सही है, पासिंग मार्क वाज 50। अच्छा अब 50 है पासिंग मार्क, अगर मैं 49.999 लिखूँ तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ आगे, और मैंने कहा 49.99999 तो ये फेल ही आएगा। ठीक है, जब मैं पूरे 50 लिखूंगा ना फिर ये पास आएगा। ठीक है, यू हैव गॉट सी ग्रेड, पूरे 50 लिखा मैंने जब ये पास आया, तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ तो हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई कि भाई हाँ ये जो हमने सोचा था वही है। ठीक है, जो हमारा ये वाला जो पार्ट था ये वेरीफाई हो गया। अच्छा अब उसके बाद मैं 50 लिखूंगा तो सी आएगा, सॉरी हाँ सी ग्रेड आएगा। उसके बाद 50.59.99 तक मुझे यही नज़र आना चाहिए, 59.99 तक मुझे सी ग्रेड नज़र आना चाहिए। तो 59.99 ज़रा मैं लिख के देख लूँ, 59.999। ठीक है, अभी भी सी ग्रेड है ये। जब मैं पूरा 60 लिखूँगा तो फिर ये मुझे बोलेगा कि बी आया आपका, सही हो गया, पूरा 60 लिखूँगा तो बी आएगा। अच्छा फिर 60 की हम अगर बात करें, अच्छा तो ये हमारा ना 59.99 तक ये वाला एज हमारा सेट हो गया, और फिर 60 पे पूरा ग्रेड दूसरे पे जा रहा है वो भी चेक हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि 61, 62, 63 पे ये मुझे क्या दिखा है, मुझे बी ग्रेड ही दिखा है। ठीक है, 61, 62, 63, 64। ठीक है, तो मैं 61 इसमें एंटर करके देखता हूँ, 61 बी, उसके बाद 62 पे बी है। ठीक है, उसके बाद 69 तक पे मुझे ये बी ग्रेड दिखा रहा है। ठीक है, बी ग्रेड आया अभी भी, क्लियर भी कर देता हूँ मैं। अच्छा 69.5 पे भी मुझे बी दिखाएगा ये, 69.99 पे भी मुझे ये बी दिखाएगा। ठीक है, और जब 70 होगा पूरा तो फिर मुझे ये क्या दिखाएगा, ए ग्रेड दिखाएगा, 70 से पहले नहीं दिखाएगा ए ग्रेड मुझे ये। तो मेरा जो ये वाला एज था ये वाला भी कंफर्म हो गया कि हाँ भाई कंडीशन बिल्कुल सही लगी है, रियल नंबर के तमाम डिजिट्स इसके अंदर कवर्ड हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये 80 वाला एज को चेक करना है, 71, 72, 73 में मुझे इसमें फॉल करना है हमेशा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, 72 डाल के चेक करता हूँ, 72 ए ग्रेड, 76 ए ग्रेड, 78 ए ग्रेड, 79 ए ग्रेड,
ठीक है, 79.999 ए ग्रेड, ठीक है। तो 79.99 तक जो है वो क्या है, ए ग्रेड है। जब पूरा 80 होगा तो फिर ए वन पर पहुँचना चाहिए इसको, ठीक है। पूरा 80 जब होगा तो फिर इसको कहाँ पे पहुँचना चाहिए, ए वन पर पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी मेरा क्या हो गया, चेक हो गया कि 79.99 तक मुझे ये ए वन पर नहीं जाने दे रहा। अब जब मैं इसको पूरे 80 दूंगा तो फिर ये क्या करेगा, मुझे ए वन बना के देगा, ठीक है, कि भाई ए वन अब आपका ग्रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, 80 से लेके 90 पे मुझे ए वन देना चाहिए उसको, ठीक है। 99 पे भी मुझे ए वन देना चाहिए, ठीक है। 99.99 पे मुझे ए वन देना चाहिए। पूरा 100 अगर मैं दूँ तो कितना देना चाहिए उसको, हमारी ड्राइंग के मुताबिक पूरा 100 भी अगर मैं दूँ इसको तो मुझे ए वन दिखाना चाहिए इसको। तो पूरा 100 दे के चेक करते हैं, ओके ए वन दिखाया इसने मुझे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं रिफ़्रेश करके इसको 100.1 दूंगा तो मुझे ये इनवैलिड इनपुट बता देगा कि यार 100 से ऊपर नहीं हो सकता, आपका इनवैलिड इनपुट है। अच्छा, रिफ़्रेश करता हूँ मैं, मैंने कहा 100.00001, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने 100 से इसको ज़्यादा दिया, ठीक है, 100.0001। तो इस पर भी मुझे ये इनवैलिड इनपुट ही बताएगा, ठीक है, कि 100 से अगर एक पॉइंट भी ऊपर है तो इनवैलिड इनपुट है, वो 100 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हमने ये पूरा का पूरा स्केल जो है, यानी 100 से ऊपर जितना था वो सब इनवैलिड में हमने कवर कर लिया। तो ये पूरा रियल नंबर का स्केल हमने इसमें कवर किया है अपनी इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, अब वो मिस्टेक भी मैं करके बता देता हूँ कि मिस्टेक क्या हो सकती है। समटाइम ये होता है, समटाइम ऐसा होता है कि आपने कंडीशन लगाई 60 को इसमें भी कवर कर लिया इस साइड भी, और 60 को इस साइड भी कवर कर लिया, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी हो जाती है कि 60 इसमें फॉल करेगा या उसमें फॉल करेगा, इस तरह की गलती आमतौर पर होती है, बहुत कॉमन है ये प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, कि एक नंबर जो होता है ना वो दो कंडीशन में काउंट हो जाता है, दोनों में वो फॉल कर रहा होता है, तो अब क्या वो इस वाले में चलेगा या उस वाले में चलेगा, ठीक है। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। अच्छा, बाय द वे वो चलेगा तो वही पहले जिसमें वो पहले फॉल कर जाएगा, लेकिन फिर भी एक अनसर्टेनिटी होती है और कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की आपकी एफिशिएंसी भी नीचे जाती है उसकी वजह से, कि एक ही चीज़ को दो दो बार आप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर का स्केल हमने इफ एल्स के साथ पढ़ना था, ये हमने मिस कर दिया था, तो ये हमने अभी कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी का कोई सवाल, सब लोगों को समझ आई ये बात जो मैंने बताई है? जी सर। अच्छा चलो, वेल डन। अब इसको मैं रोक देता हूँ, और इसको मैं रोक के अब अपने ओरिजिनल इस क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ, जो आपने कहा था कि यार एल्स इफ अगर इसमें लगाना पड़ जाए मुझे तो वो कैसे लगेगा। सर अभी नमाज के लिए वक्त पर सर। हाँ यार, 7:30 हो गए। अच्छा चलो, 15 मिनट के लिए हम ब्रेक करते हैं नमाज का, और 7:45 पर दोबारा मिलते हैं फिर हम, ठीक है। ओके सर। चलो भाइयों।